हर इंसान को चाहे वो खुद धोखेबाज क्यों ना हो, कभी ना कभी किसी न किसी से धोखा जरूर मिला होता है। कुछ लोग फितरत से ही धोखेबाज होते हैं, या कुछ लोग सोशल इनसिक्योरिटी से लोगों को धोखेबाज होने का दिखावा करते हैं। पर बात यह है कि अपने आसपास ऐसे लोगों को कैसे पहचानें जो आपको भविष्य में भी धोखा दे सकते हैं। आइए हम इसे मनोविज्ञान की मदद से जानते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आज हम बात करेंगे एक खास टॉपिक पर जो आपके लिए काफ़ी काम का हो सकता है। धोखा, छल, बेईमानी, झांसा और चाल, झूठे तरीके से सच बताने के ऐसे तरीके हैं जो पूरी तरह से सच नहीं होते। ये आधे सच और आधे झूठ का मिश्रण होते हैं। इसके लिए धोखा देने वाला इंसान ध्यान भंग, छल या छिपाव का प्रयोग करता है और उसे लगता है कि वो उसे बेहतर करने में माहिर है। ज़्यादातर लोग दोस्तों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि अजनबियों के भी हमेशा सच्चे होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब भोली सी सूरत के पीछे कुछ और सामने आता है तो यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। धोखेबाज लोग दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हमेशा नई नई कहानी तैयार रखते हैं और उनकी मीठी मीठी बातों में फंसकर अधिकतर लोग अपना पैसा, जरूरी जानकारियां या अपना करीबी रिश्ता तक खो देते हैं। कितनी बार हम रिश्तेदारों और दोस्तों को सलाह देते हैं कि इस व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सबसे आम कारण है कि हम लोगों को समझना या सीखना चाहते हैं। कोई भी किसी से धोखा नहीं खाना चाहता, लेकिन आपकी इच्छा के बगैर ही सही, सामने वाला आपको धोखा दे ही जाता है। ऐसे में कुछ संकेत और आदतों को याद रखना चाहिए जो आपको यह समझने में मदद करेंगे कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है या आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसे सभी लोग धोखेबाज होते हैं, लेकिन जो बातें और आदतें एक इंसान को झूठा और धोखेबाज बनाती हैं वो ऐसे लोगों में पाई जाती हैं। नंबर वन, अक्सर धोखेबाज इंसान की आवाज़ बदलती है। झूठ बोलने वाला या धोखा देने वाले इंसान से जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो आप पाएंगे कि बात करते समय उसकी टोन समान नहीं रहेगी। ऐसा उसके साथ इसलिए भी हो सकता है कि उसे डर हो कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। नंबर टू, घुमा फिरा कर बातें करना। चीट करने वाला इंसान कभी भी कोई बात क्लियर नहीं बताएगा। आप उससे पूछेंगे कुछ और वो बताएगा कुछ और, यानी आपको उलझाने के लिए वो नई नई बातें आपको पकड़ाता चला जाएगा। जैसे कि कभी दूसरे व्यक्ति या जगह का उदाहरण देगा, या बड़ी बड़ी डींगे मारेगा, या कोई नकली कहानी बनाकर बताएगा, या अधिक अनुमान लगाने वाली बातें आपसे करेगा। नंबर थ्री, हैवी सोशल मीडिया यूजर। साइबर साइकोलॉजी बिहेवियर तथा सोशल नेटवर्किंग की एक रिसर्च बताती है कि जो व्यक्ति ज़्यादा ट्विटर या फेसबुक का इस्तेमाल करते हुए मिले, उनमें से ज़्यादा के रिश्ते या तो टूट गए, या वो किसी अन्य को धोखा दे रहे थे, या फिर तलाकशुदा थे। इसमें समय कोई फैक्टर नहीं था। रिसर्चर्स ने जब एसले मेडिसन नामक एक डेटिंग वेबसाइट से 9 अंक के डेटा लिए, जिनमें उम्र के 29, 39, 49 और 59 अंक शामिल थे, वे सभी शादी के बाद भी अपने पार्टनर को चीट करते हुए पाए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एलबामा की एक रिसर्च बताती है कि जो व्यक्ति या औरत किसी एक के साथ विश्वासघाती हैं, वो किसी और के साथ भी विश्वासघाती होता है। नंबर फोर, फ्रिस्कियर मैट। इंटीमेसी एक्सपर्ट बताते हैं कि जो व्यक्ति जल्दी आपसे फिजिकली प्रभावित हो जाए, वो आपको चीट कर रहा है, जिसमें वो आपसे खुद को ज़रूरत से ज़्यादा बनावटी ढंग में पेश करता है। आपकी तारीफ और आपसे जुड़े रहने के लिए हर संभव कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसका मतलब पूरा हो जाता है, वो आपको दही में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक देता है और फिर से नए इंसान से प्रभावित होकर वही सब दोहराता है। नंबर फाइव,
वेल्दियर मैन एंड पुअरर वुमेन। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि एक गरीब लड़की को एक अमीर लड़के से प्यार हो जाता है, और जब उसे सब कुछ हासिल हो जाता है तो वो अमीर लड़के को धोखा दे देती है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट्स की थ्योरी यही कहती है कि चींटियां जब चीनी से भरे डिब्बे तक पहुंच जाती हैं तो पूरे डिब्बे में फैलकर उनका फोकस सिर्फ चीनी पर होता है, ना कि डिब्बे पर। कुल मिलाकर वेल्दियर मैन से पुअरर वीमेन के चीट करने के चांसेस हैं, या पुअरर वीमेन के वेल्दियर मैन को चीट करने के। अब बात ये आती है कि ऐसे लोगों को समझने में सक्षम होने के लिए आपको क्या करना है। आँखों से झूठ का पता। हमारे ब्रेन को हम जनरली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसमें लेफ्ट पार्ट को लॉजिक ब्रेन कहते हैं, जिसके अंदर हमारी मेमोरी या इन्फॉर्मेशन स्टोरेज है, और राइट पार्ट को आर्टिस्टिक ब्रेन कहते हैं, जिसमें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन है, यानी इस तरफ हम चीज़ों को क्रिएट करते हैं। जब आप किसी से आई कॉन्टैक्ट के साथ बातें करते हैं तो ज़रा ध्यान से उसकी आँखों में देखिए। अगर कोई आपसे झूठी बातें बना रहा है तो इसका मतलब वो उसे क्रिएट कर रहा है, और बातें करते वक्त बार बार उसकी आँखें राइट साइड या ऊपरी राइट पार्ट की तरफ जाएंगी। और अगर वो इंसान सच बोल रहा है तो उसकी आँखें बार बार लेफ्ट साइड में जाएंगी। यदि वो इंसान सच बोल रहा है और उसकी आँखें बार बार लेफ्ट साइड में जा रही हैं, तो वो पर्सन कुछ रिकॉल करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो वही एक्सप्लेन करना चाहता है जो एग्जैक्ट हुआ है। आँखों से मेरा मतलब आँख के आयरिस और प्यूपिल वाले भाग से है। ये तरीका 60-70% तक काम करता है उस केस में जब पर्सन को ये तरीका पता हो, और यदि ना पता हो तो 70-90% तक काम करेगा। अगर आप ना चाहते हुए भी लोगों के झूठ और धोखे के शिकार हो गए हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि ज़्यादातर इंसान कभी ना कभी किसी न किसी से धोखा ज़रूर खाया होता है, तो आप आगे से सतर्क रहकर ऐसे लोगों से बच सकते हैं। अगर कोई खुद को धोखेबाज और चालाक लोगों से हारा हुआ महसूस करे तो क्या करना चाहिए? नंबर 1, इंट्यूटिव बने, यानी अंतर्ज्ञान विकसित करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके विचार से कहीं ज़्यादा जानता है। इसमें सभी इम्प्रेशन अच्छे या बुरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन से प्राप्त किए गए हैं, इसलिए कभी कभी आपको अपनी आंतरिक आवाज़ महसूस होती है जो किसी व्यक्ति पर भरोसा करती है या नहीं। जैसे अचानक कोई आपके पास फ़ोन कॉल आ जाए जिसमें सामने वाला व्यक्ति आपसे पैसे उधार मांगे, तो आप तुरंत उस व्यक्ति के भरोसे को परख लेते हैं। जबकि कुछ लोग जिन्हें आप ना नहीं कह पाते और बिना सोचे समझे उनकी मदद कर देते हैं, ये वो लोग हैं जिनसे आपका बहुत ही गहरा संबंध हो। नंबर 2, एनालिसिस करना सीखें। आपको एक व्यक्ति बहुत सच्चे दोस्त की तरह लग सकता है, लेकिन किसी दिन जब आपको ये पता चले कि वो पीठ पीछे आपको धोखा दे रहा है, तो वही दोस्त दुश्मन जैसा हो जाएगा। इसलिए अपने आसपास के लोगों के व्यवहार और आदतों की बारीकियों पर ध्यान देना सीखें, क्योंकि कोई व्यक्ति हर समय नाटक नहीं कर सकता है, और जो वो चार के साथ करेगा तो वो औरों के साथ भी वही करेगा। इस बारे में लोगों की प्रतिक्रिया से सबक लें। आप देखेंगे कि धोखेबाज लोगों में कितना झूठ और असंतोष है। बड़ी बड़ी बातें करना तो जैसे इनकी फितरत है। आखिरकार अच्छे लोग हमेशा शालीन होते हैं, शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए। नंबर 3, इमोशन कंट्रोल करना सीखें। इमोशन एक मेंटल स्टेट है। ये हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी है, जो हमारे अंदर के केमिकल चेंजेस से एसोसिएटेड होते हैं, और ये थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियरल रेस्पॉन्सेज, खुशी या दुख की तादाद पर निर्भर करते हैं। जब तक आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने में सक्षम नहीं हो जाते, आपको कदम कदम पर दुनिया की वास्तविकता,
चालाकी धोखा आदि होते ही रहेंगे। ज़्यादातर लोग अपने कोमल मन और ज़्यादा इमोशनल नेचर की वजह से धोखा खाते हैं। जब तक मन पर पूर्ण नियंत्रण की क्षमता विकसित नहीं होती, तब तक सकारात्मक लोगों से सीखते रहें। नकारात्मक लोगों की परछाई भी दुख ही देती है। अपने इमोशन को जाहिर करने से पहले ये समझ लें कि सामने वाले को आपके इमोशंस की कितनी कद्र है। नंबर 4, खुद को व्यस्त रखना। किसी भी खराब सिचुएशन को आप तभी अच्छे से डील कर सकते हैं जब आप खुद को व्यस्त रखते हैं, क्योंकि खाली बैठकर आप सिर्फ उस बारे में ज़्यादा सोचेंगे जो खराब चीज़ें आप पर ज़्यादा हावी हों। खुद को व्यस्त रखना एक बेहतरीन रास्ता है नए तरीकों और नए आइडियाज़ के साथ उन बातों को दूर हटाने के लिए जो बार बार आपको बेचैन करती हैं। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। क्या भविष्य में भी आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो भी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।